अजमेर नगर निगम द्वारा सफाई शुल्क यूजर चार्ज को लेकर लगातार दुकानदारों का विरोध जारी है। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इसके चलते अजमेर के लगभग सभी दुकानें स्वैच्छिक रूप से बंद नजर आई। यूजर चार्ज को लेकर सभी वर्ग के व्यापारियों में विरोध देखने को मिल रहा है। व्यापारिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम को बार बार ज्ञापन दिया गया, नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज की समीक्षा करने को कहा गया, लेकिन नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र बनवाने पर भी 3 महीने का यूजर चार्ज अवैध रूप से वसूला जा रहा है। नगर निगम की हठधर्मिता को लेकर ही आज अजमेर के व्यापारियों ने बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। के नाम से 250 रूपए, उसके विरोध में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ कई महीनों से आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन की कड़ी में हमने अजमेर शहर के कई बाजार 1 घंटे, कोई बाजार 2 घंटे बंद कराए और धरना प्रदर्शन किया। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को कई ज्ञापन दिए, आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, महापौर महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बावजूद हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। नगर निगम के कानों पे छू नहीं रहेंगी। इस विरोध में कल श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने आज अजमेर का बंद का ऐलान किया और आप देख लो अजमेर पूरी तरह बंद है। अभी तो ये व्यापारी से यूजर चार्ज की वसूली कर रहे हैं। अभी निगम ने एक नई नीति और चालू कर दी है, कोई भी निगम में जाना विवाह पंजीकरण कराने या मृत्यु प्रमाण पत्र ले। अजमेर नगर निगम द्वारा जो है अजमेर के व्यापारियों के लिए यूजर चार्ज के नाम से कचरा संग्रहण शुल्क लिया जा रहा है, जो कि देश में कहीं भी लागू नहीं है। आज यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, अजमेर के जिले के सांसद हैं माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब ने पिछले दिनों रीट के कार्यालय में अजमेर जिले के लगभग 100 अधिकारी, जिनमें आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, सारे अधिकारी थे, उनको अपनी अध्यक्षता करते हुए मंच से हमारे सामने बोली कि जब देश में कहीं लागू नहीं है तो अजमेर में ही जल्दी क्यों की जा रही है। दूसरी बात, साधारण सभा में आज तक नगर निगम द्वारा ये प्रस्ताव पारित भी नहीं किया गया। तीसरी बात, ये जो नीति बनी हुई है, नीति जिसको कहते हैं वो नीति तो है ही नहीं, जैसे अनीति कहते हैं।